नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से हमारे इस न्यूज चैनल में स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तमिलनाडु के पहाड़ों में एक ऐसी मूर्ति बनाई गई है जिसने हर किसी का ध्यान खींचा है। करीब 420 टन की इस भगवान की मूर्ति को तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई जिले से 300 किलोमीटर तक का सफर तय करने के बाद कर्नाटक के एक मंदिर में स्थापित किया जाएगा। इस भारी और विशालकाय मूर्ति को लाने के लिए 240 पहियों का एक वाहन तैयार किया गया, जिस पर मूर्ति को रखा गया और कर्नाटक के एजीपुरा तक लाने में इसको 7 महीने का वक्त लगा। जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि ये कोई आम मूर्ति नहीं है, ये 64 फुट ऊंची, 25 फीट चौड़ी अखंड मूर्ति विश्वरूपम की है, जिन्हें हिंदू धर्म के प्रमुख 10 भगवानों का रूप माना गया है। इस मूर्ति के बारे में डॉक्टर सदानंद का कहना है कि ये मूर्ति सर्वोच्च भगवान की है, जिन्होंने अलग अलग समय पर हिंदुओं की मदद की है। हिंदुओं में कोई एकता नहीं है, क्योंकि हम अलग अलग देवताओं में विश्वास रखते हैं, इसलिए मैंने सभी हिंदू देवताओं की मूर्ति बनाने का फैसला किया। डॉक्टर सदानंद ने इस मूर्ति को बनाने का संकल्प 7 साल पहले लिया था, जिसको पूरा करने में 2.8 करोड़ का खर्च हुआ है। तिरुवन्नामलाई कलेक्टर के एस कंदासामी के मुताबिक मूर्ति को उसकी जगह तक पहुंचने में देरी का कारण था सड़कों को चौड़ा करना, रास्ते में आ रहे घर दुकानों को तोड़कर मूर्ति के लिए रास्ता बनाना। 2 राज्यों और 4 जिलों को पार करने के बाद मूर्ति एजीपुरा तक पहुंच पाई है। मूर्ति बनवाने वाले डॉक्टर सदानंद ने कहा कि बचे हुए 400 मीटर की दूरी को पार करने में अभी 4 दिन और लगेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि रास्ते में बिजली के खंभे खड़े हैं, जिन्हें निकाला तो आसपास के इलाकों में कुछ दिन बिजली नहीं रहेंगी। 2012 से चल रहे इस प्रयास में कई मुश्किलें भी आई। सदानंद ने बताया कि 2012 में तिरुवन्नमलाई में बहुत खोज के बाद उन्हें वो पत्थर मिला जिसकी मूर्ति बनाई जा सकती थी, जिसके बाद सभी तरह की मंजूरी मिलने में पूरे 2 साल लग गए। 2017 में भी मूर्ति के परिवहन के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट में PIL दर्ज हुई थी, जिसके बाद नवंबर 2018 में यात्रा शुरू हो पाई। यात्रा शुरू होने के बाद भी परिवहन में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसमें भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा छोटे पुलों पर यात्रा पर रोक लगाने भी शामिल है, जिसकी वजह से लगातार रास्तों को बदलना पड़ा। उनके अनुसार इस मूर्ति के स्थापित करने को लेकर लोगों में अलग विचार थे। तमिलनाडु के लोगों का कहना था कि हम कर्नाटक को अपना पत्थर नहीं देंगे, क्योंकि कावेरी का पानी नहीं दिया था। जब मूर्ति बॉर्डर क्रॉस कर कर्नाटक में आई तो लोगों ने काफ़ी खुशी व्यक्त की थी।